हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। आज बहुत ही महान उत्सव है हमारे वैष्णव समुदाय के लिए। आज है गुंडीचा मार्जन। तो आज हम चर्चा कराएंगे कि गुंडीचा मार्जन के पीछे क्या रहस्य है और चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन की लीला के माध्यम से हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से पहले ये गुंडीचा मार्जन वहाँ पर नहीं होता था। पहले बता दें गुंडीचा मार्जन है क्या। गुंडीचा है जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है और रथ यात्रा के बाद जिस मंदिर में पहुंचती है उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। और उसका नाम गुंडीचा मंदिर क्यों है, क्योंकि जो इंद्रदत्त महाराज ने जो डीटीज स्टैब्लिश किए थे जगन्नाथ जी के, जो कारण बने जगन्नाथ जी को प्रकट करने का, और उन्होंने जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, तो उनका घर था वो और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो इसी वजह से उसका नाम पड़ गया गुंडीचा मंदिर है। और गुंडीचा मार्जन, जैसे कि मार्जन मतलब से मतलब क्लियर है कि मार्जन मतलब सफाई करना है। तो गुंडीचा मंदिर को क्या है, डिवोटी साफ करते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी आने वाले हैं। तो क्या रहस्य है कि जैसे हम भी देखते हैं कि अगर हमें भी अपने हृदय में भगवान को बुलाना है एक्चुअली, तो क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय की सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान ऐसे गंदगी में आएंगे तो क्या है, अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से हृदय की सफाई, इसी वजह से भगवान वहां पे आने वाले हैं। तो डिवोटी सब भक्त मिलके क्या है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि इस मंदिर का क्या है मार्जन करते हैं। तो इस तरह ये गुंडीचा मार्जन की जो पास टाइम है हुआ। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे क्या हुआ वहां पे। तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा में गए थे संन्यास लेने के बाद, और साउथ इंडिया की यात्रा से वो वापस आते हैं, और जो उड़ीसा का राजा था उसका नाम था प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र अपना बहुत ही प्रयास कर रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के क्या है एक बार दर्शन कर लूँ मैं, या उनसे मिल लूँ मैं, एक बार उनकी कृपा मिल जाए, वो स्वयं भगवान है, तो क्या मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जो नित्यानंद प्रभु थे और जो और बाकी अन्य भक्त थे, उन्होंने जो कृष्ण जो राजा प्रताप रुद्र की इच्छा है इसको चैतन्य महाप्रभु को बताया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे कि वो तो विषयी राजा है, कि मैं एक सन्यासी होके विषयी राजा से कैसे मिल सकता हूँ। तो इस तरह वो नहीं मिल पा रहे थे। और सारे भक्तों ने प्रयास किया कि चैतन्य महाप्रभु से वो मिल लें उससे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो बार बार चैतन्य महाप्रभु क्या उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको क्या डिनाई कर रहे थे, मना कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि जो रामंद राय हैं, जो राजा का पुत्र है, उसको चैतन्य महाप्रभु के सामने ले आया। और जो राजकुमार था चैतन्य महाप्रभु के जब सामने लाया तो वो बिल्कुल वैष्णव ड्रेस में था एक्चुअली। और ये देख के चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण का स्मरण हो गया। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण का स्मरण हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उस पुत्र को क्या है बिल्कुल गले से लगा लिया, और वो उस पुत्र को तुरंत ही कृष्ण प्रेम मिल गया। तो इस तरह महाराज प्रताप के बेटे को उन्होंने क्या है कृष्ण प्रेम दे दिया। और जैसे ही महाराज राजा रुद्र का बेटा घर पहुंचा थे, जो प्रताप रुद्र बिल्कुल पागल हो गए थे कि ये वही शरीर है जिसको क्या है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया है, तो उसकी क्या पूजा करने लगे हो, और वो भी आलिंगन करने लगे, तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम आ गया, मेरे अंदर भी क्या है कृष्ण प्रेम आ ही जाएगा। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु को और जो भगवान के अनन्य भक्त बन गए बाद में, फिर जो महाप्रताप के बेटे हैं, इस तरह चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे। कभी कभी वो अद्वैत महाप्रभु के अद्वैत प्रभु के घर पे जाके प्रसाद लिया करते थे। इस तरह करते करते कुछ समय बीत गया, और जो जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव है वो क्या है बिल्कुल आने वाला है। तो एक दो दिन बचे हैं, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले काशी मिश्र जो हेड थे, जो हेड हैं जगन्नाथ मंदिर के हेड थे, उनको बुलाया गया। और फिर जो सारंग भट्टाचार्य को बुलाया, और फिर तीनों ने मिलके क्या है जो गुंडीचा मंदिर को क्या है विजिट किया है, और वहां के जो अधिकारी हैं उनसे क्या है गुंडीचा मंदिर को वास करने की, साफ करने की क्या है उनसे परमिशन ली कि हमें क्या परमिशन दो, हम क्या गुंडीचा मंदिर को क्या साफ करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया इससे पहले चैतन्य महाप्रभु, अभी पहला साल पहली रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में जाके, इससे पहले अभी ये गुंडीचा मार्जन नहीं होता था। तो ये पहली बार है तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, और आज तक हम क्या उस उत्सव को मनाते आ रहे हैं। तो जैसे ही जो मंदिर का अधिकारी था जिसका नाम पंडिचा था, उसने जैसे ही सुना चैतन्य महाप्रभु क्या है क्लीन करना चाहते हैं, तो उसने कहा
कि हे महाप्रभु, एक्चुअली हम तो आपके क्या सर्वेंट हैं, हम तो नौकर हैं एक्चुअली, और जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हो, उसको तुरंत ही क्या आप फॉलो कर सकते हो। और उनसे कहते हैं, विशेष राजा रा आज्ञा हना छे हमारा, प्रभु रा आज्ञा ये से ही सिंगर करे बारे, कि महाराज प्रतापरुद्ध का एक विशेष आज्ञा है मेरे लिए और सबके लिए, क्या कि जो भी भगवान की इच्छा है, जो भी चेतन महाप्रभु आज्ञा दें, जो भी इच्छा है उनकी, वो तुरंत उसको क्या एग्जीक्यूट किया जाए विदाउट एनी डिले। उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, जो कुछ कहें वो उसका तुरंत आज्ञा का पालन करना है। और तुम्हारे योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन यही एक लीला करे ये तुम्हारे मन, कि वैसे भी हे भगवान ये जो मंदिर मार्जन की जो सेवा है एक्चुअली ये आपके लिए नहीं है एक्चुअली, आप तो स्वयं महाप्रभु है, आप करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे एक्चुअली, तो आप मत करो। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है करने की तो ये क्या माना जाएगा, आपकी एक तरह से लीला मानी जाएगी, आप ये सेवा करने के लिए बद्ध नहीं हो एक्चुअली, लेकिन ये क्या है लीला मानी जाएगी आप, और आगे जाके क्या है आप इसी लीला के कारण प्रसिद्ध होंगे एक्चुअली। और फिर वो जो अधिकारी थे वो कहते हैं कि मुझे पता है आपको क्या मंदिर को मार्जन करना है, तो आपको बहुत सारे बर्तन चाहिए जिसमें पानी लाओगे एक्चुअली, बहुत सारे झाड़ू चाहिए एक्चुअली, और इसीलिए क्या है मुझे ऑर्डर दो, मैं इमीडिएटली क्या है इन सब चीज़ों का अरेंज करता हूँ। तो चेतन महाप्रभु की इच्छा को समझ गए वो, और उन्होंने तुरंत ही क्या है बहुत सारे हजारों क्या है जो मिट्टी के घड़े पानी के बर्तन मंगाए एक्चुअली, और बहुत सारे झाड़ुओं का इंतजाम किया। झाड़ू उस समय वो सीख वाले होते थे एक्चुअली, तो इतने सारे सामान का क्या है इंतजार किया। चेतन महाप्रभु अगले दिन क्या है, नूतन एक सात घट सत संवर्जनी पांडिचानी अदिल प्रभु इच्छा जानी। और अगले दिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जो भी उनके पार्षद हैं, पर्सनल एसोसिएट हैं, जो भी भक्त, हर साल क्या है बंगाल से बहुत सारे भक्त जाते थे जगन्नाथपुरी में, तो सबको लिया एक्चुअली, और उनको लेके क्या है सुबह सुबह वहां पहुंच गया। और क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, सबके हाथ में क्या दिया, सबके अपने हाथ से स्वयं जो उनके शरीर पे क्या है चंदन लगाया, पहले उनके शरीर को क्या शुद्ध किया, कि भगवान का चंदन उनके शरीर पर लगाया। और फिर उन्होंने क्या किया, पहले सबका स्वागत किया है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला से हम सीखेंगे पूरी लीला से कि कैसे भक्तों के साथ डीलिंग करनी चाहिए, कैसे भक्तों के साथ सेवा करनी चाहिए, पूरा चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं। और उसके बाद क्या है, पहले स्वागत किया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने हर व्यक्ति को, हर भक्त को क्या दिया, हर एक के हाथ में पर्सनली दिया क्या है, झाड़ू दी पहले, सबसे पहले कि आप क्या है पूरे मंदिर में क्या आपको झाड़ू से वास करना है, झाड़ू लगाने। तो पूरा मंदिर में देखा पूरा पत्थरों से बना हुआ है, ऐसा नहीं वो वहां पे पेंट हो रखा है, ऐसा नहीं, पूरा मंदिर क्या पत्थर ही पत्थर है, कि पत्थर में क्या है बहुत सारी दरारें वगैरह, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, कि तो उनको साफ करने के लिए क्या है वो ब्रूम, झाड़ू जो सीख वाले वो चाहिए होते थे। तो इस तरह जो भगवान है और भगवान के जो भक्त हैं, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया गुंडीचा मंदिर को साफ करना एक्चुअली। और पहले जो मंदिर है, मेन मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, उसको साफ किया एक्चुअली। और फिर महाप्रभु और उनके भक्तों ने जो भी अंदर और टेम्पल के बाहर सब कुछ, सीलिंग, छत से लेके जमीन से लेके उस साइड की वॉल से लेके क्या है सबको बिल्कुल अच्छी तरह साफ किया। और जगन्नाथ जी को सिंहासन है क्या उसको भी साफ किया एक्चुअली, उतारा वहां से, फिर साफ किया, और फिर वहां से वापस क्या उसी को उसी स्थान पर रख दिया। फिर छोटा बड़ा मंदिर कैला मार्जन सोदाना पाछे तय छे सो दिला श्री जगन मोहना। इस तरह भगवान ने क्या है कि जो भी मंदिर की बिल्डिंग्स थी छोटी बड़ी, और सबसे अंत में जो मंदिर और कीर्तन हॉल के बीच में जो गैप था वो भी क्या है उसको साफ किया। तो कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा, हर चीज में क्या उन्होंने झाड़ू लगाई, सब हजार मतलब हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज आर देयर, चारी दिखे सत भक्त सामर जानी करे आपानी सो देना प्रभु सिखा न सबरे। कि इस तरह हम देख रहे हैं कि सैकड़ों भक्त क्या है भगवान का जो मंदिर है उसको मार्जन करने में लगे हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से पर्सनली वहां पे प्रेजेंट हैं, और जो भी ऑपरेशन है उसको क्या है लीड कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ये करो, अच्छा आप ये हो गया, आप ये करो, और खुद भी इसके साथ साथ सेवा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या दूसरे भक्तों को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। प्रेम उल्लास से सो दे रहा लय र कृष्ण नाम भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं कि आप सेवा तो करो, साथ साथ क्या करना है कि बहुत ही आनंद में आपको क्या करना है भगवान कृष्ण का नाम भी लेना है, सबको बोलना है हरि 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 हरि। तो इसीलिए सभी भक्त क्या कर रहे हैं,
साथ ही साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से क्या हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, लोग हरी हरी बोल रहे हैं एक्चुअली। तो इससे क्या हो रहा है, वो बाहर से भी साफ कर रहे हैं और हरे कृष्ण का जप करके वह अंदर की हृदय को भी क्या है साफ कर रहे हैं। धूली दूसर तनु देखिते शोभन कहान कहान अश्रु जले करे समर्जन। तो इस तरह जब चारों तरफ धूल ही धूल है, सब झाड़ू लगा रहे हैं तो धूल है, तो ये धूल है, तो जो भगवान का शरीर है, जो भगवान का जो दिव्य शरीर है, उनका रंग क्या है, गौरवर्ण है। जब गौरवर्ण पे जब हल्की सी धूल लगी है एक्चुअली, तो जो भगवान की जो कांति है, जो भगवान का जो स्वरूप है एक्चुअली, तो क्या बहुत ही मोहक लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जब कृष्ण भगवान शाम को आते थे एक्चुअली, तो गौ धूली क्या है, जब गौ के धूल जो धूल उड़ती थी तो उनके शरीर पर जाती थी एक्चुअली, और उनका और श्रृंगार में आती और सुंदर उनको मोहक लगते। ऐसे चेतन महाप्रभु जो धूल उनके शरीर में जा रही है, तो चेतन महाप्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसके बाद जो भोग मंदिर है एक्चुअली, जहां पे भगवान का भोग रखा जाता है, उस जगह को भी क्या है भगवान ने क्लीन किया है। और उसके बाद तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासा लाना फैलाया बहिर करिया। इसको चेतन महाप्रभु ने जो भी कण थे, घास के तिनके थे, धूल थी, ग्रेन्स के थे, सैंड के टुकड़े थे, ये सबको क्या है इकट्ठा किया एक्चुअली, क्या है कपड़े में, कपड़े में सब लोगों ने इकट्ठा करके क्या है उसको एक जगह में बाहर डस्टबिन में या एक जगह क्या है कलेक्ट किया गया। अंदर से अपने कपड़े में लेके आ रहे हैं एक्चुअली, और बाहर जाके उसको एक जगह डाल रहे हैं एक्चुअली। और जैसे चेतन महाप्रभु ने इसको करके दिखाया, तो इसको देख के सारे लोग भी वही कर रहे हैं, अपने कपड़े को ले रहे हैं और जितने भी घास के तिनके हैं और डस्ट के टुकड़े हैं, तो उस सबको क्या है कपड़े में भरा और वापस जाके बाहर किसी एक स्थान पर रख दिया गया। प्रभु कहे के कत करिया छ समार्जन, तृण धूलि देखि ले जाने व परिश्रम। तो इसके बाद महाप्रभु सभी भक्तों को कहते हैं कि मैं, मुझे पता है, मैं बता सकता हूं कि किसने कितनी मेहनत की है, कितने किसने कितना अच्छी तरह से क्या मंदिर को साफ करने के लिए मेहनत की। कैसे बताऊंगा कि जितने अमाउंट में, जितने क्वांटिटी में आपने जो डस्ट है, जो स्ट्रॉ है, जो तिनके हैं और धूल है, वो कलेक्ट किया है, तो जितनी जितने ज्यादा कलेक्ट किए उसने उतनी ही मेहनत की है। और अगर किसी भक्त ने कितनी मैक्सिमम, जो सबसे भक्त ने जितनी मैक्सिमम डस्ट कलेक्ट की थी, उससे ज्यादा चेतन महाप्रभु ने क्या है डस्ट कलेक्ट, वो एक तरह से क्या ऑपरेशन को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, सबको इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ चेतन महाप्रभु सबसे ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। और इस तरह जो इसके बाद जगन्नाथ के सिंहासन की जो स्पेस है उसको क्लीन किया गया एक्चुअली। और उसके बाद फिर सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सब कर रहा दूरा, बाल मते सुदाना कर रहा प्रभु पूरा। और फिर चित्र महापुर ने दोबारा सबको इंस्ट्रक्शन दी कि अब क्या है, अभी आपने झाड़ू लगा दी, अब फिर से दोबारा जाओ और फिर से जो बिल्कुल सूक्ष्म कण है, फिर दोबारा रह गए पत्थरों पे, जमीन पे एक्चुअली जो कण है एक्चुअली, फिर से जाओ और दोबारा से इसको क्या है क्लीन करो। तो पहला राउंड था ब्रूमिंग की, झाड़ू से साफ किया और फिर से जो धूल थी मोटी मोटी सब बाहर लेके आए, और फिर से चेतन महाप्रभु ने बोला कि दोबारा जाओ, जो सूक्ष्म कण अभी भी रह गए उसको भी क्या है साफ करके लाओ। और इसलिए चेतन महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को क्या है दूसरी बार उस क्लीनिंग के लिए भेजा गया। आर सत जन सत घाटे जल भारी, प्रथमे लाना छे काला अपेक्षा करी। और इस तरह जब झाड़ू लगाई जा रही थी पूरे टेंपल में एक्चुअली, तो बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग क्या पानी के बर्तन लेके तैयार खड़े थे एक्चुअली कि कब हमारा नंबर आएगा, कि झाड़ू लगेगी, धूल सब साफ हो गई, अब क्या है पानी के बर्तन लेके साफ करें कि अब हमारा नंबर क्या है आने वाले। और जैसे ही चेतन महाप्रभु तुरंत आज्ञा दें, हम तुरंत क्या है अपनी सेवा को स्टार्ट कर, इतनी तत्परता है, बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ऐसा नहीं चेतन महाप्रभु अच्छा बोलेंगे, अच्छा पानी लेके आओ, तब लेने जाएंगे, घड़ा देख रहे हैं पहले घड़ा कहाँ है, फिर पानी देखने जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि जैसे ही चेतन महाप्रभु आज्ञा देंगे तुरंत हम क्या है स्टार्ट हो जाएंगे। जल आन बलिया वे महाप्रभु कहिला, तबे सत घट आनी प्रभु आगे दिला। और जैसे चेतन महाप्रभु ने आज्ञा दी के ले आओ पानी घड़े आखिरी, तुरंत लेके आओ एक्चुअली, और तुरंत ही क्या है सारे लोग अपने घड़ा, जो पानी का बर्तन है पूरा भर भरा हुआ था, तुरंत भगवान के सामने क्या है उसको लेके प्रकट हुए एक्चुअली। और इस तरह चेतन महाप्रभु ने पहले उस पानी को लेके जो मेन मंदिर है उसको साफ किया, और जो छत है, जो दीवारें हैं, फ्लोर है,
और जो भगवान के बैठने का सिंहासन है सबको साफ किया, पानी मार मार के आके पूरे छत पे पानी मारा, क्योंकि पूरा पत्थरों से बना हुआ है तो पानी से कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, तो पूरे छत पे पानी मारा, फ्लोर पे मारा, दीवारों पे मारा है। और चैतन्य महाप्रभु खुद सबसे पहले स्टार्ट किया पानी को क्या है छत पे फेंकना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं पहले कहाँ पानी फेंकना है, छत पे फेंकना है, ऐसा नहीं पहले आपने दीवारों फेंक दिया। इसका मतलब क्या, जब छत पे फेंकोगे तो क्या दीवारों पे बाद में आएगा पानी, तो पहले छत पे पानी फेंकना है कि छत का पानी क्या दीवारों पे जाएगा, फिर उसके बाद दीवारों में पानी साफ करना है, उसके बाद फिर क्या है जो फर्श है फ्लोर है उसके बाद साफ करना है। ऐसा नहीं पहले फ्लोर साफ कर दिया फिर दीवार साफ करेंगे, तो सीक्वेंस में साफ करना है। और चेतन महाप्रभु ने फिर जगन्नाथ जी का जो बैठने का प्लेस है उसको पर्सनली अपने हाथों से क्या है धीरे धीरे करके साफ किया। तो इस तरह सभी लोग लग गए पानी मार रहे हैं और झाड़ू झाड़ू सीख पर झाड़ू लेके क्या है उस पत्थरों को क्या है साफ कर रहे हैं हाथों से। तो इस तरह सभी लोग क्या है मिलके उस मंदिर की सफाई कर रहे हैं पानी से। केहा जलानी दया महाप्रभु र करे, केहा जल दया तारा चरण ऊपरे। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं पानी लाके क्या है महाप्रभु के हाथों में दे रहे हैं, और कुछ कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पानी को चेतन महाप्रभु के चरणों में डाल दिया है ना। और फिर उसके बाद क्या करते हैं लोग, केहा लुकाने करे से ही जल पाना, केहा मांगी लाया केहा अन्य करे दान। और जो चेतन महाप्रभु के चरणों से जो जल आ रहा था कि वो क्या है चरणामृत बन गया है कि, और उसको क्या है किसी व्यक्ति ने क्या है पी लिया और अपने आप को छिपा लिया उसके बाद कि भगवान ना देख पाए कि। और कुछ लोग दूसरे भक्तों ने इस लीला को देखा तो दूसरे भक्त भी क्या है उस व्यक्त से क्या है मांग रहे हैं कि मुझे भी पानी दो थोड़ा सा वही चरणामृत दो कि, तो उससे मांग रहे हैं कि, तो उसे भी एक्सट्रेसी आएगी, वो भी क्या है एक्सट्रेसी में होगा पानी उसके भगवान के चरणामृत को पी के कि। और इसके बाद जो कमरा था उसको साफ किया गया, और जो पानी था एक्चुअली एक आउटलेट के द्वारा क्या सारे पानी को बाहर निकाला गया। और हम देखते हैं वहां से पानी जो निकला था बहुत मात्रा में क्या पानी निकला था, क्योंकि सैकड़ों भक्त बहुत सारा पानी लेके क्या है उसके मार्जन के लिए लगे हुए थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कपड़ा लिया सूखा और उसको मोपिंग करने लगे, पहले वाइपर तो नहीं होते थे तो उस कपड़ा लिया, कपड़े से क्या है मोपिंग कर रहे हैं जो भी सीलिंग है वाल्स हैं और जो फ्लोर है। और उसके बाद जो जगन्नाथ जी का सिंहासन है उसको क्या है फिर पॉलिश कर रहे हैं, उसको चमका रहे हैं सूखे कपड़े को लेके। और चेतन महाप्रभु फिर शिक्षा देते हैं, साता घटा जले हैला मंदिरा मार्जना, मंदिरा सोधिया कैला ये नि जमन। इन दिस वे कि अगर जब हम भगवान का जो विग्रह कक्ष है उसको साफ कर रहे हैं बहुत सारे घड़ों को लेके एक्चुअली, और इसके बाद जब जो रूम है भगवान का वो साफ हो गया, तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि इस तरह भगवान के कक्ष को साफ करने से क्या है सभी भक्तों का जो हृदय है एक्चुअली वो भी क्या है साफ हो गया। क्योंकि जब हम भगवान का घर को साफ करते हैं तो भगवान भी हमारे हृदय में स्थित है एक्चुअली, है ना। तो भगवान हमारे हृदय में स्थित, वो भी भगवान का घर है, तो हमारा हृदय ऑटोमेटिकली क्या है साफ होता है। जैसे हम देखते हैं कि जब जो माधवेन्द्रपुरी है उनको चंदन लाने के लिए भेजा वहां पे, तो उन्होंने क्या है गोपीनाथ को लगा दिया, उन्होंने आज्ञा दी आप गोपीनाथ को लगा दे मुझे यहाँ पे लगी जाएगा, तो उनको नहीं लगाया उन्होंने अपने लिए लगाया, लेकिन गोपीनाथ को वहां लगने से क्या उनको भी उससे क्या शीतलता मिल रही है। तो ऐसे ही मंदिर जो भगवान का घर है उसको साफ करने से क्या है हमारा हृदय भी क्या है भगवान रहते हैं इसमें भगवान का घर है, तो भाई ये भी भगवान का घर ऑटोमेटिकली क्या है साफ हो रहा है। इरमाला शीतला स्निग्ध करीला मंदिरे, आपना हृदया ये न धरीला बहिरे। और इस तरह जब मंदिर साफ हो गया और पूरा शुद्ध हो गया और बहुत ही ठंडा ठंडा हो गया, क्योंकि पानी से नहलाया था, क्योंकि पानी जब पत्थर पर डाला जाता है तो पत्थर या तो क्या है जल्दी गर्म भी हो जाते हैं जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, और जब पानी डाला गया था ठंड ठंडे हो गए। इस तरह इतना शीतलता हो गया जैसे कि भगवान स्वयं, भगवान का जो मन है जितना शीतल भगवान का मन है वो भगवान का मन स्वयं क्या है प्रकट हो गया वो, तो ऐसे पूरा माहौल हो गया जैसे भगवान का मन है बिल्कुल शीतल, ऐसे पूरा रूप क्या है शीतल शीतल हो गया। और फिर क्या किया कुछ भक्तों ने, सत सत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नहीं के हा करे कूप जल भरे। कुछ भक्त क्या थे कि नरेंद्र सरोवर से क्या जल ला रहे थे, लेकिन वहां पे इतनी लंबी लाइन थी कि वहां पे पूरे तट पे जगह ही नहीं थी पानी भरने के लिए, इतने सारे सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए थे जगह ही नहीं थी।
तो कुछ भक्तों ने क्या किया, वो उस सरोवर को छोड़ के कुएं से पानी लेके आने लगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा तो मेरा क्या टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो भगवान के सेवा में टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे अवसर नहीं मिल रहा है, तो क्या दूसरी जगह से क्या है अवसर देना भगवान की सेवा का। तो यहाँ पे भगवान के भक्तों से सीखने को मिल रहा है कि वहां पे तट पूरा फुल था, वहां पे जगह ही नहीं थी। हो सकता है वो 1-2 मिनट अगर वेट करते, इंतजार करते, तो उन्हें क्या मौका मिल जाता, लेकिन उन्होंने 1-2 मिनट भी वेस्ट करना भगवान की सेवा के लिए सही नहीं समझा कि ये भी क्या है व्यर्थ है। तो भगवान के भक्त होते हैं अव्यर्थ कालत्तम, कि वो बिल्कुल भी समय नहीं गवाते। तो उन्होंने इंतजार करना नहीं चाहा, उन्होंने क्या दूसरी जगह गए और कुएं से क्या है पानी डालने लगे। और इस तरह सैकड़ों भक्त बहुत सारा बर्तनों में क्या पानी ला रहे हैं, और कुछ भक्त सैकड़ों भक्त यहाँ से खाली बर्तन लेके जा रहे हैं। तो वहां से भरे बर्तनों में पानी आ रहा है, इधर से कुछ लोग क्या खाली बर्तन लेके उनको फिर से भरने के लिए क्या है जा रहे हैं। और इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ऐसा ही नहीं खाली भगवान के भक्त खाली सेवा करते, ठीक है आप अभी जूनियर आप सेवा करो, हम क्या ऊपर से देखेंगे खाली, नहीं। वहां पे क्या है बड़े बड़े भक्त सेवा कर रहे थे। कौन कौन थे? नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी इना विनु आरस वे आना जल भरी। कौन थे? नित्यानंद प्रभु थे, अद्वैत आचार्य थे, स्वरूप दामोदर थे, ब्रह्मानंद भारती थे चेतन महाप्रभु के गुरु, और परमानंद जो चेतन महाप्रभु क्या है गुरु भाई हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग क्या है पर्सनली वहां पे क्या है इन वाटर पॉट्स को लेके, इन घड़े के पानी के बर्तनों को लेके खुद समय अपने पर्सनली क्या है साफ कर रहे थे, है ना। ऐसा नहीं, बहुत ही समझ में क्या होता है कोई लीडर होता है कि तो कहीं क्लीनिंग की सेवा होती है तो क्या करेगा वहां पे खाली झाड़ू को जाके टच करेगा और पूरी वीडियो दिखाई जाएगी मीडिया में कि यार उसने हाँ झाड़ू टच की, खाली टच की झाड़ू लगाता नहीं, खाली झाड़ू को टच करता है। और वो झाड़ू भी ऐसी नहीं होती कि सालों से जो झाड़ू लग रही है, वो क्या बिल्कुल नई मंगाई जाती है। तो ऐसे नहीं, यहाँ पे चेतन महाप्रभु सिखा रहे हैं कि चेतन महाप्रभु खुद खुद पर्सनली क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, तब वो सारे उनके साथ उनसे ज्यादा पार्टिसिपेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब खुद ही नहीं इंसान करेगा तो बाकी सब भक्त उनके जो असिस्टेंट है वो कैसे करेंगे। तो चेतन महाप्रभु खुद कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर कर रहे हैं, चेतन महाप्रभु तो खुद कर ही रहे हैं, उनसे जो सीनियर भक्त हैं उनके जो गुरु भाई हैं अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु, तो ये सब भी भगवान भारती प्रमाण पर ये सब भक्त भी क्या है भगवान के साथ सेवा करा रहे हैं। तो बड़े बड़े भक्तों को जब देखते हैं इंसान कि वो भी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो क्या है जो छोटे जो जो जूनियर है थोड़ा सा अभी इतना कृष्ण में, तो अब उनसे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर वो भी क्या अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। तो हमें भी क्या है यहाँ की लीला से सीखना चाहिए कि हमें भी अगर सेवा मिलती है तो हमें भी साथ में क्या आगे लगना चाहिए। और इस तरह सारे भक्त मिलकर सेवा कर रहे थे, और जब भक्त इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे, कुछ इधर बर्तन ला रहे हैं, कुछ इधर बर्तन ला रहे हैं, तो क्या हो रहा था कुछ जो बर्तन है वो क्या टूट जा रहे थे, क्योंकि आपस में टकरा के क्या मिट्टी के बर्तन है तो वो क्या टूट जा रहे थे। तो बहुत सारे भक्त क्या करके नए बर्तनों का क्या इंतजाम कर रहे थे। और फिर आला भरे घर धोया कर धरी ध्वनि कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। और जब जो भक्त हैं वो जो मिट्टी के बर्तनों को क्या है पानी से भर रहे थे, है ना। और कुछ भक्त क्या है जो रूम्स को क्या है जो मंदिर उसको साफ कर रहे थे, लेकिन कोई भक्त कोई भी एक्टिविटी कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा एक चीज कर रहा था, क्या है वो भगवान के नाम का जप कर रहा था, हरि हरि बोल रहा था तो अगर कोई व्यक्ति क्या है किसी से कोई बर्तन मांगना पड़ता था तो क्या करता था हरि हरि बोलता था हरि हरि। किसी को कुछ बर्तन देना है तो क्या है हरि हरि। किसी को झाड़ू देनी है तो क्या बोलता था हरि हरि, कृष्णा कृष्णा हरी हरी बोलता था। तो कृष्ण और हरी ये ध्वनि के कृष्ण नाम के अलावा वहां पे कोई और वार्तालाप हो ही नहीं रहता है। किसी को पानी चाहिए तो कृष्णा कृष्णा हरी हरी, किसी को कुछ चाहिए तो क्या है हरी हरी। तो जिसको जो भी कुछ चाहिए तो क्या है भगवान कृष्ण के नाम लेके क्या उसको इंडिकेट कर रहा था कि मुझे ये चाहिए जो भी कुछ जरूरत है। और जो चेतन महाप्रभु अकेले जो सारे लोग नाम ले रहे थे, चेतन महाप्रभु का जो अकेले नाम कैसा था, प्रेम वैसे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम एकले प्रेमा वैसे करे सत जने रकामा। कि चेतन महाप्रभु अकेले इतना जोर से चेतन महाप्रभु भगवान का नाम ले रहे थे, एक्सटेटिक प्रेम वश नाम ले रहे थे, कि जितने क्या है सैकड़ों लोग जो मिलके नाम ले रहे थे जिनकी आवाज आ रही थी, उतना अकेले चेतन महाप्रभु के मुख से क्या है उनकी आवाज आ रही थी। और चेतन महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा देते हैं, सत हस्ते करे न ये न शलन मार्जन प्रतिजन पासे यही कर न शिक्षण। कि चेतन महाप्रभु जब बहुत सारे ऐसा लग रहा था कि इतनी तीव्रता थी भगवान की सेवा के लिए चेतन महाप्रभु की, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके 100 हाथ हैं और 100 हाथों से क्या है भगवान के मंदिर का मार्जन कर रहे थे, इतना
ज्यादा मेहनत कर रहे थे चेतन महाप्रभु, और अपने पर्सनल एग्जाम्पल सिखा रहे थे कि दूसरों को शिक्षा दे रहे थे कैसे भगवान की सफाई करनी, कैसे तत्परता रहनी है। और चेतन महाप्रभु क्या सिखा रहे थे कि कैसे जब भक्त सेवा करें तो कैसे उनको प्रेज भी करना है, उनकी तारीफ भी करनी है। भाला कर्म देखी तारे करे परम सना, माने ना मिली ते करे पवित्र भर्सना। चेतन महाप्रभु जिसको भी देखते थे कि आप अच्छी सफाई कर रहे हो तो क्या करें, उसको उसको प्रेज करते थे, उसकी तारीफ करते थे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने क्या सेटिस्फाई किया, और तुरंत देखते थे कि किसी ने क्या है सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं किया है, किसी ने ज्यादा धूल इकट्ठा नहीं की, ज्यादा अच्छी तरह से नहीं करा, उसको क्या है थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते, क्या आप क्या अच्छी सेवा नहीं कर रहे, आपको क्या है और अच्छी सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह चेतन महाप्रभु क्या है उनको दे रहे, आप क्या और अच्छी सेवा कर सकते हो भगवान की अच्छी। और जैसे ही जो भक्त अच्छी सेवा नहीं कर रहे थे और चेतन महाप्रभु सुन रहे क्या है, वो शर्म के मारे क्या उनके आगे झुक जा रही थी कि चेतन महाप्रभु के हमसे ऐसे करें, हम अच्छी सेवा नहीं कर रहे थे। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे कि बहुत ही ध्यान पूर्वक क्या आगे की सेवा को एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो इस तरह जो भी एरिया है टेम्पल हॉल की, उसके बाद वहां पर जो किचन एरिया है जहाँ पे भगवान के लिए भोग बनता है, उस एरिया को साफ किया है कि, और फिर टेम्पल से बाहर का एरिया जो यार्ड है खाली है उस पूरे को आके क्या है वास किया है कि। और लास्ट में जो बहुत बुद्धिमान अपने आप लोग हैं वो क्या कर रहे थे, हेना काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरला प्रभु रचरण युग दिला घट जला। और अपने आप को जो बुद्धिमान लोग समझ रहे थे वैष्णव क्या कर रहे थे कि जो चेतन महाप्रभु के चरणों से पानी आया था क्या उसको पी रहे थे आगे। और चेतन महाप्रभु ने देखा तो उनको क्या बहुत बुरा लगा, वो थोड़े खुश नहीं थे, मतलब बाहर से खुश नहीं थे, अंदर से वो सेटिस्फाई थे, खुश थे, लेकिन बाहर से क्या वो बहुत नाराज की लीला कर रहे थे, दर्शा रहे थे कि मैं बहुत नाराज हुए थे। और मैंने बोला स्वरूप धाम गोस्वामी को, यद्यपि गोसानी तारे हाना चे संतोष धर्म समस्थान लागे बाहिर मन रोसा। तो इस तरह चेतन महाप्रभु अंदर से सेटिस्फाई थे लेकिन बाहर से क्या है वो चाहते थे कि जो भक्त है वो क्या है जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, उनका क्या पालन करें। और इसीलिए चेतन महाप्रभु ने क्या स्वरूप दामोदर को बुलाया, उनको बोला कि देखो तुम्हारे गौड़ीय वैष्णव बंगाली वैष्णव क्या कर रहे हैं, ये क्या अपराध कर रहे हैं कि? और ये क्या है, ये बंगाली वैष्णव है, अगर ये ऐसा काम करेंगे तो मैं कैसे क्या है इसमें मैं कैसे इस अपराध से कैसे बचूंगा। तो इस श्लोक में चेतन महाप्रभु कहते हैं ये तुम्हारे वैष्णव है। तो चेतन महाप्रभु क्या परंपरा बता रहे हैं कि चेतन महाप्रभु के बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उसके बाद षड गोस्वामी, फिर कृष्ण गोस्वामी, ऐसे गुरु परंपरा चेतन महाप्रभु क्या है यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और फिर जो बंगाली वैष्णव है क्या कर रहे हैं, मेरे जो चरण कमल उनसे पानी जा रहा है उसको क्या है उसको पी रहे हैं। तो मुझे नहीं पता जो मेरा डेस्टिनेशन है इससे क्या होगा इस अपराध के बाद, तो इसको क्या है रोको तुरंत। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक भक्त को देखते हैं और वो क्या ऐसे पानी पी रहा होता है, तो उसको तुरंत क्या है बाहर कर देते हैं। और इस दृश्य को देख के चेतन महाप्रभु क्या है थोड़ा सा उनको संतोष होता है कि हाँ ठीक है, और फिर बैठ जाते हैं। और फिर चेतन महाप्रभु लास्ट में क्या करते हैं, तबे महाप्रभु मने संतोष हैला सारी करी दुई पासे सबर अवसैला। तो इस दृश्य को देख के चेतन महाप्रभु संतुष्ट होते हैं और फिर क्या कहते हैं सभी भक्तों से पूछते हैं कि आप क्या करो दो लाइनों में बैठ जाओ, है ना, अब क्या है जो फाइनल क्लीनिंग है उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं चेतन महाप्रभु। क्या कह रहे हैं कि आप लोग दो लाइनों में बैठ जाओ और फिर क्या करना है, अपने वैश्य माजे अपनारे हते त्रण कन कर कूत लगी लकूड़े ते। किसके बाद क्या करना है, आप पर्सनली दो लाइन में बैठ जाओ और आपके चारों तरफ जो भी बहुत सूक्ष्म कण है, एक्चुअली जो ग्रेन्स है, स्ट्रॉ है, और जो भी गंदगी है बहुत ही सूक्ष्म है जो रह गई है पानी के बाद भी जो रह गई है, उसको क्या है पर्सनली हाथ से क्या उसको उठाना है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो जिसकी ज्यादा आएगी उसके के साथ क्या करूंगा, जिसके साथ जो कम उठाएगा गंदगी उसके साथ में क्या करूंगा, तो दिव्य उसको दंड दिया जाएगा। क्या दिव्य दंड होगा, के कतक उदया सब एकत्र करीबा यार अल्प तार थानी पीठा पान लेबा। तो चेतन महाप्रभु ने देखा कि जो ज्यादा कलेक्ट करके लाएगा उसको क्या है उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जो कम करेगा उसको क्या करना पड़ेगा उसे फाइन पे करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा पनिशमेंट के रूप में, क्या करना पड़ेगा भगवान के लिए खीर और जो लड्डू है वो क्या है ऑफर करने पड़ेंगे सारे भक्तों को। यही माता सब पूरी करेला सोदाना शीतल निर्मल का ये नी जमाना। तो इस तरह गुंडीचा मंदिर पूरा क्लीन हो गया, क्लियर हो गया, और जो भी जितने भी क्वार्टर अलग अलग बने हुए सारे क्या बिल्कुल कूल कूल हो गए क्योंकि पानी से उनको नहलाया गया था। और इस तरह सबके जो मन है वो भी क्या है बिल्कुल स्पॉटलेस, कोई भी स्पॉट नहीं था पूरे मंदिर में, इस तरह उन्होंने पूरा देखा। और जो भगवान के मंदिर का बाहर का दृश्य है वो कैसा था,
प्रणलिक छाड़े यदि पानी बहिला नूतन नदी न समुद्र मिले न, कि जब सारे रूम से बाहर पानी आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारी नदियों से क्या पानी बाहर की तरफ मिल रहा है और वो क्या है समुद्र से जाके मिल रहा है पानी घर। यही माता पूरा द्वारे आगे पथ यत सकल सोधिलता के केवर नी बेकत, और जैसे इस तरह जब पानी बाहर आया तो बाहर का भी जो गेटवे रास्ता है वो भी क्या है साफ हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु जो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे जो पहली हमारी क्रिया क्या साफ करना, जब मंदिर को साफ करते तो हृदय को भी क्या साफ करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम है। और श्रीमद भागवतम में भी बताया गया है कि श्रवणतम सथा कृष्ण कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थि भवद्राणी विष्णुति सुहृदाम, कि जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते तो क्या हमारा हृदय भी क्या शुद्ध होता है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु फाइनली नरसिंह देव भगवान के टेम्पल को भी क्लीन करते हैं और उसके बाद चैतन्य वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर सब लोग हरिनाम करते हैं बहुत जोर से, और इस तरह ये लीला का संपन्न होता है। तो